आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। चलिए आपको सुनाता हूं आपकी ही कहानी। शुरू करते हैं नई कहानी का नया सफर। स्टोरी बॉक्स विद जमशेद कमर सिद्दीकी। दोस्तों, आज स्टोरी बॉक्स में हम कुछ नया ट्राई करने वाले हैं। इस बार मैंने असल दुनिया की एक बहुत ही मशहूर हस्ती की जिंदगी को लेकर, उनकी जिंदगी की हकीकतों को लेकर एक कहानी बनी है। ये हस्ती है मशहूर शायर कैफी आजमी। उनकी जिंदगी के बारे में पढ़ते हुए मुझे लगा कि ये तो एक खुद ही कहानी है और आप लोगों को इसके बारे में बताना चाहिए। तो मैंने कोशिश यही की है कि जो भी बातें इस कहानी में मैंने शामिल की हैं वो फैक्चुअली करेक्ट हों। मैंने उन्हें क्रॉस वेरीफाई भी किया है, लेकिन मैं किसी भी तरह इस कहानी को कैफी आजमी की ज़िंदगी का फैक्चुअल रिप्रेजेंटेशन नहीं कह रहा। तो सुनिए थोड़ी हकीकत, थोड़ा फसाना, कहानी बदनाम सा एक शायर। चलिए शुरू करते हैं। वो गर्मियों की शाम थी, फिजा में भारी उमस थी। पुराने लखनऊ के एक दो मंजिला मकान में बड़ी चहल पहल थी। ये मकान था प्रोग्रेसिव राइटर मूवमेंट के फाउंडर सज्जाद जहीर का, जो एक उर्दू अदीब और कम्युनिस्ट आइडियोलॉग भी थे। सज्जाद साहब इंतजामात में लगे हुए थे क्योंकि उस शाम उनके सबसे अजीज दोस्त और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के वीकली उर्दू अखबार कौमी जंग के एडिटर कैफी आजमी का निकाह था। उस मौके पर अली सरदार जाफरी, जोश मलिहाबादी समेत तमाम बड़े शायर मौजूद थे। कैफी आजमी का निकाह हैदराबाद की शौकत साहिबा से तय हुआ था, जो इप्टा यानी कि इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन की बहुत ही अहम सदस्य थी। हालांकि कोई बड़ा जलसा नहीं था, सब कुछ बहुत सादगी से हो रहा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिर्रब्बिलालमीन, काजी साहब निकाह पढ़ा रहे थे। कैफी और शौकत एक दूसरे की आंखों में अपनी ज़िंदगी की हसरतों को अंगड़ाई लेते हुए महसूस कर रहे थे। आईने से शफाक दो दिल वक्त की एक ही लय पर साथ धड़क रहे थे। कैफी आजमी की मुलाकात शौकत साहिबा से कुछ महीनों पहले हैदराबाद के एक मुशायरे में हुई थी, और मुशायरे में कैफी आजमी ने हिंदुस्तान की जंगे आज़ादी में औरतों की अहमियत पर लिखी हुई वो ख़ास नज़्म पढ़ी थी जो बहुत मशहूर हुई थी। उस दिन हैदराबाद के उस ऑडिटोरियम में पैर रखने की जगह नहीं थी। इस सिरे से लेकर उस सिरे तक लोग ही लोग थे, पर कैफी की आवाज दूर तक गूंज रही थी। कद्र अब तक तेरी तारीख ने जानी ही नहीं, तुझ में शोले भी हैं बस अश्क फिशानी ही नहीं। तू हकीकत भी है दिलचस्प कहानी ही नहीं, तेरी हस्ती भी है एक चीज जवानी ही नहीं। अपनी तारीख का उनवान बदलना है तुझे, उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे। तालियों का शोर कई मिनट तक गूंजता रहा। यह एक तारीखी लम्हा था, महज इसलिए नहीं क्योंकि यह खूबसूरत नज्म इस वक्त की नजर हुई थी, बल्कि इसलिए क्योंकि तालियों के शोर में एक आवाज उन हथेलियों की थी जिन्होंने उसी एक नजर में कैफी आजमी का हमराह बनने का फैसला कर लिया था। यह छोटी सी मुलाकात कई सिलसिलों से होती हुई आगे बढ़ी और दो लोगों के बीच की खाली जगह में इश्क चुपचाप परवाज भरता रहा। निकाह मुकम्मल हुआ, काजी साहब ने मुस्कुरा कर इत्तला दी तो पूरा घर मुबारक हो के शोर से गूंजने लगा। सज्जाद जहीर, जोश साहब, अली सरदार जाफरी जैसे तमाम शायरों ने गले मिलकर कैफी साहब को मुबारकबाद दी। ये कैफी और शौकत के एक नए सफर का आगाज था, लेकिन ये सफर आने वाले वक्त की ताहों में कौन सी चुनौतियां छुपाए था, इसकी फिक्र किसको थी। अभी तो जिंदगी के सिरे से उस सिरे तक सिर्फ फूल ही फूल बिखरे थे, और वो दोनों जिंदगी की एक नई और अहम मंजिल की तरफ पहला कदम बढ़ा रहे थे। शादी के शुरुआती दिनों के बाद जब जिंदगी ने सख्त रास्तों पर होश संभाला तो उनके इर्द गिर्द तमाम जिम्मेदारियां थीं, परेशानियां थीं, मुश्किलें थीं। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी के अखबार के एडिटर और जहन से खालिस कम्युनिस्ट कैफी आजमी जिंदगी और इनकलाब का बैलेंस बनाते बनाते अपनी जिंदगी को ही इनकलाब बना बैठे। शादी के कुछ महीनों के बाद उन्हें पार्टी ने मुंबई हेड ऑफिस बुलाया तो वो इनकार नहीं कर पाए। आजमगढ़ के कस्बे मिजवा से चला वो शख्स बंबई शहर की भागती दौड़ती बेरहम दुनिया का हिस्सा बनने जा रहा था। कुछ दिनों के बाद
कैफी साहब शौकत साहिबा के साथ बंबई पहुंच गए। इस शहर की हवा लखनऊ और कानपुर से अलग थी। यहाँ के शोर में कारोबारी आवाजें ज्यादा थी, बर्ताव भी अलग था। शायद यही दिन था जब उन्होंने अपने खास दोस्त फैज अहमद फैज को लिखे एक खत में इस शहर का जिक्र कुछ इस तरह किया। लग गया एक मशीन में मैं भी, शहर में लेके आ गया कोई, मैं खड़ा था कि पीठ पर मेरी इश्तिहार एक लगा गया कोई। जिंदगी तेज चल रही थी, बहुत तेज। कैफी पूरी तरह पार्टी के काम में जुट गए। उन्हें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के ही दफ्तर में एक छोटा सा कमरा दे दिया गया, जहां उनकी नई और शादीशुदा जिंदगी इश्क और इनकलाब के नए आयाम तलाश रहे थे। आमदनी कम थी पर गुजारा करते रहे। पार्टी की तरफ से उन्हें महज 45 रुपए महीना मिलते थे, जिसमें से 30 रुपए खाने के लग जाते थे। जिंदगी इतनी तंग कि दम घुट जाए, लेकिन ख्यालों का फैलाव अब भी इतना वसी कि जमाने की सारी हकीकतें उसमें सांस ले रही थी। कैफी की लड़ाई सोशल इक्वालिटी की लड़ाई थी, मजदूरों के हक की लड़ाई थी, इंसान के इंसान बने रहने की लड़ाई थी। प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट भी इसी मुहिम का एक हिस्सा था, जिसके सदस्यों में मुंशी प्रेमचंद, सादत हसन मंटो, इस्मत चुगताई भी थे। तो लंबे वक्त तक कैफी और उनके साथी इस इनकलाब का ईंधन बने रहे। लेकिन जिंदगी की झुलसा देने वाली इसी तेज धूप में एक रोज उन्हें एक खुशखबरी मिली। यह खबर उनके लिए उतनी ही खास थी जितनी दुनिया के किसी भी बाप के लिए होती है। शौकत साहिबा उम्मीद से थी। कैफी पिता बनने वाले थे। जाहिर है कैफी भी बहुत खुश थे, लेकिन वो ये भी जानते थे कि ये खुशी बहुत सारी जिम्मेदारियों के साथ दस्तक दे रही है। उनके कुछ खास दोस्तों ने उन्हें यह भी मशवरा दिया कि अब वो आमदनी के कुछ और जरियों को भी तलाशना शुरू करें। कैफी ने मुंबई से छपने वाले तमाम अखबारों के दफ्तरों के चक्कर लगाने शुरू किए। कुछ जगहों पर बात भी बन गई। एक बार एक बड़ी मजेदार बात हुई। कैफी आजमी को एक डेली न्यूज़पेपर से बुलावा आया। कैफी उसके दफ्तर पहुंचे और वहां पर वो पहुंचे तो सामने अखबार का एडिटर बैठा हुआ था। कैफी को अंदाजा था कि एडिटर उन्हें उनकी शेरी हैसियत से मुतासर होकर उन्हें कुछ काम देंगे। वो बोला, आइए आइए कैफी साहब, भाई आप हमारे यहाँ आए तो हमारी बड़ी किस्मत है, बहुत बहुत नवाजिशें। बताइए भाई, कैसे याद किया आपने मुझे? भाई आपके कलम के तो हम लोग बड़े कायल हैं, काफ़ी सुना है आपके बारे में, इसलिए मैंने सोचा कि ये काम आपको ही दिया जाए। कैफी बोले, जी बहुत बहुत शुक्रिया, तो बताइए क्या लिखना है मुझे, कोई गज़ल, शेर या कोई न्यूज़ रिपोर्ट? कॉमेडी लिख लेते हैं आप। जैसे ही एडिटर ने पूछा तो कैफी साहब चौंक गए। कॉमेडी? नहीं वैसे तो नहीं लिखा, पर हाँ एकाध नज़्म कही है। बस 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 वही आपको हमारे यहाँ करना है, आप मजाहिया यानी कॉमेडी की नज़में लिखिए। मजाहिया नज़्म, वो क्या है कि हमारे पेपर में ना बड़ी संजीदगी रहती है, बड़ी सीरियस खबरें हैं, तो हम चाहते हैं कि लोग ज़रा हल्का फुल्का मुस्कुराएं भी। कोई और दिन होता तो शायद कैफी साहब उसे ऐसा जवाब देते कि वो उम्र भर याद रखता, पर जब जिम्मेदारियों का बोझ सर पर हो तो लोग जिंदगी जो राह दिखाती है उधर चल पड़ते हैं। लेकिन शायरी की समझ रखने वाले इस बात के गवाह हैं कि कैफी साहब ने उस अखबार के लिए जो मजाहिया नज़में कहीं वो बड़े मयार की थीं, और वो कोई यूं ही हंसी मजाक की नज़में नहीं थी, वो प्योर लिटरेचर था और उसकी चर्चा भी अदबी दुनिया में काफ़ी हुई। इस काम के अलावा वो कौमी जंग के लिए और दूसरे अखबार के लिए लिखते रहे। कैफी पूरी पूरी रात ब्लैक कॉफ़ी पीते हुए काम में जुटे रहते थे। उन्होंने शौकत साहिबा का खास ख्याल रखना भी शुरू कर दिया था। जिंदगी पटरी पर आने लगी थी, लेकिन तभी हालात ने एक करवट ली। ये वही दौर था जब ब्रिटिश हुकूमत कम्युनिस्ट वर्करों को गिरफ्तार कर रही थी, इसीलिए कैफी आजमी औरंगाबाद में एक जगह अंडरग्राउंड हो गए। यूं तो मुसीबत सभी कॉमरेड्स पर थी, लेकिन कैफी आजमी के लिए ये मुसीबत ज्यादा ही घनी थी, इसलिए क्योंकि वो पिता बनने वाले थे। आमदनी के जरिए भी आहिस्ता आहिस्ता बंद हो गए। औरंगाबाद के इसी खुफिया ठिकाने पर कैफी आजमी के साथ एसएम मेहंदी उनके दोस्त और दूसरे राइटर अली सरदार जाफरी भी थे। ये लोग जो इनकलाब की लड़ाई लड़ रहे थे, उसी इनकलाब का दूसरा हिस्सा था प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट। राइटर्स का काम दुनिया बदलना नहीं होता, उनका काम बस इतना होता है कि वो ये बता सकें कि दुनिया को क्यों बदल दिया जाना चाहिए, और यही काम था इस मूवमेंट का। इसके जरिए कोशिश की जा रही थी कि हिंदुस्तान के राइटर्स
इश्क मोहब्बत गुलो बुलबुल और कसीदेबाजी से बाहर निकलकर सोशल इक्वलिटी जस्टिस और यूनिटी पर लिखें और हिंदू मुस्लिम एकता पर लिखें, मजदूरों के हक के लिए लिखें, पूंजीवाद और सामंतवाद के खिलाफ लिखें। इस आजाद ख्याल तंजीम का मकसद कलमकारों के कलम से निकलने वाली खुशबू को आग में तब्दील करना था। इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबरान में हबीब जालिब, अहमद फराज, फिराक गोरखपुरी, अमृता प्रीतम, मजरू सुल्तानपुरी और इस्मत चुगताई भी थी। इस्मत चुगताई कैफी और शौकत को बहुत करीब से जानती थी। इस्मत के शौहर शाहिद लतीफ एक मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर भी थे। जब इस्मत को शौकत साहिबा के हाल का पता चला तो उन्होंने तमाम दोस्तों को खत लिखा, जिसमें मजाज लखनवी, प्रेमचंद और साहिर लुधियानवी भी थे। सभी दोस्त यार मदद तो करना चाहते थे, लेकिन किसी के भी पास इतना इंतजाम नहीं था कि कोई हाथ आगे बढ़ा पाता। शायरों का हाल तो आप जानते हैं। इधर शौकत साहिबा की हालत लगातार बिगड़ रही थी। उनके पास बंबई में न छत थी न रुपए, हाँ पेट में एक उम्मीद जरूर सांस ले रही थी। शौकत साहिबा ने एक रोज कैफी आजमी को खत लिखा। वो खत कुछ ऐसा था। कैफी, कई बार सोचा कि तुम्हें खत लिखूं, लेकिन फिर ये सोचा कि जाने तुम कौन सी पसोपेश में डूबे होगे। जो लड़ाई तुम लड़ रहे हो वो दुनिया के एक बेहतर हिस्से को बचाए रखने की जिद है, और इसमें मैं भी तुम्हारे साथ हूं हमेशा की तरह। यकीन है कि तुम भी मुझे उतना याद करते होगे जितना मैं तुम्हें। मैं ठीक हूं, फिक्र मत करना, तुम्हारी शौकत। शौकत साहिबा के इस खत में ना उदासी थी ना मायूसी, सिर्फ हिम्मत थी। हालांकि कैफी जानते थे कि वो जिंदगी के उन नुकीले एहसास को जी रही है जिन्हें महसूस करना किसी के लिए भी आसान नहीं होता। वो कमजोर हो गई थी। एक रोज इस्मत चुगताई ने अपने शौहर और फिल्म प्रोड्यूसर, जैसे मैंने बताया, शाहिद लतीफ से इस बारे में बात की। शाहिद ने उसी वक्त तय कर लिया था कि जैसे भी हो वो कैफी और शौकत की मदद करेंगे। उन्होंने पार्टी के लोगों से मुलाकात कर कैफी का पता पूछा, क्योंकि पार्टी के लोग जानते थे कि शाहिद लतीफ जो हैं वो पार्टी के खैरख्वाह हैं, इसलिए उन्हें कैफी का जो खुफिया पता था वो बता दिया गया। अब शाहिद लतीफ कैफी आजमी से मुलाकात करने के लिए औरंगाबाद में उस जगह पर पहुंच गए। वो एक बहुत ही पतली सी गली थी और उस गली में एक अंडरग्राउंड कमरा था जिसकी सीढ़ियां इमारत के अंदर से ही थी। शाहिद उस तहखाने नुमा कमरे में एहतियात से उतर गए। उस कमरे में दो कुर्सी, एक मेज, एक घड़ा, एक बिस्तर, किताबें और कुछ अखबार थे। कैफी और शाहिद कुर्सी पर आमने सामने बैठ गए। उन्होंने कैफी आजमी से कहा, कैफी साहब, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे आपकी कुछ मदद चाहिए। जी अर्ज कीजिए शाहिद साहब, क्या मदद चाहते हैं आप? वो दरअसल मैं एक ना फिल्म बना रहा हूँ और नाम है फिल्म का बुजदिल, और वैसे फिल्म के गाने शैलेंद्र लिख रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप और शैलेंद्र मिलकर लिखें, या फिर एक गाना आप अकेले ही लिखें। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि आप लिखेंगे तो ये मुख्तसर मुलाकात चंद घंटे तक खींच गई। कैफी साहब ने पहले तो इनकार कर दिया, लेकिन काफ़ी मेहनत के बाद शाहिद लतीफ ने उन्हें मना ही लिया। फिर उन्होंने कहा, कैफी साहब एक बात और थी। जी कहिए। मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि इस फिल्म का जो मेहनताना होगा वो मैं आपको नहीं बल्कि आपकी वाइफ शौकत को दूंगा, अगर आपको एतराज़ ना हो। कैफी साहब ने उनकी आंखों में गौर से देखा और वो समझ गए कि ये सब सिर्फ शाहिद लतीफ का एक तरीका था उनकी मदद करने का। उनकी आंखों में आंसू आ गए। बहरहाल ये सिलसिला आगे बढ़ा और कुछ दिनों के बाद कैफी साहब ने फिल्मों के लिए अपना पहला गाना लिखा, बुजदिल फिल्म के लिए। गाने के बोल थे, रोते रोते गुजर गई रात रे। इस गाने ने फिल्म इंडस्ट्री में कैफी आजमी को पहचान दिला दी। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई, लेकिन ये कैफी आजमी और शौकत की जिंदगी की पटरी पर लाने की एक शुरुआत थी। वक्त गुजरता गया, धीरे धीरे वक्त बदला, मुल्क का निज़ाम बदला। कैफी आजमी और शौकत साहिबा फिर से साथ थे। कैफी ने कम्युनिस्ट पार्टी के लिए दोगुने जोश के साथ काम करना शुरू कर दिया। अब वो फिल्मों के लिए भी लिखने लगे थे। इस बीच शौकत साहिबा ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया जिसका नाम रखा शबाना।
अब तक कैफी आजमी फिल्मों में कई गाने लिख चुके थे और धीरे धीरे उनकी पहचान भी बनने लगी थी, लेकिन इस बीच एक अजीब सी बात हो रही थी। कैफी जिस भी फिल्म के गाने लिखते थे उस फिल्म के गाने तो सुपरहिट हो जाते थे, लेकिन फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हो जाती थी, और ये एक बड़ी अजीब बात थी। अब ये बात धीरे धीरे इस तरह इंडस्ट्री में एस्टैब्लिश हो गई कि उनके गाने इतने अच्छे हैं कि उसकी वजह से फिल्म लोगों को कमतर लगने लगती है और लोग फिल्म से नाउम्मीद हो जाते हैं और फिल्म फ्लॉप हो जाती है। इसलिए जब कैफी साहब सब कोई कहता था कि भाई वाह फला फिल्म में तो आपने जो गाना लिखा है भाई वाह, तो वो कहते थे अरे भाई तारीफ करके क्यों हमारा नुकसान करवा रहे हो। ये सिलसिला जारी रहा, फिल्म के गाने हिट लेकिन फिल्म फ्लॉप। आलम यह कि धीरे धीरे इंडस्ट्री के लोगों ने कैफी से दूरी बना ली और उनके पास फिर से काम की कमी आ गई। जिंदगी कैफी साहब को एक बार फिर से उसी मोड़ पर ले आई थी जहां से कहानी शुरू हुई थी। शायद यही वो दौर था जब उन्होंने लिखा कि वक्त ने किया क्या हंसी से तम, वक्त ने किया क्या हंसी से तम, तुम रहे ना तुम हम रहे ना हम। ये सुनकर आपको तो वो फिल्म याद आई होगी जिसमें आपने ये गाना सुना है, पर असल में ये कैफी साहब की गजल थी जो जाने किस तरह किसी एक फिल्म एक्टर जो डायरेक्टर भी थे उनके पास पहुंच गई। उस डायरेक्टर ने जब ये गजल सुनी तो उसने कहा कि कैफी साहब ये नज्म मुझे अपनी अगली फिल्म में चाहिए ही चाहिए। कैफी साहब मुस्कुराए और कहा कि जनाब आप शायद जानते नहीं हैं कि जिस फिल्म में मैं गाने लिखता हूँ वो फिल्म फ्लॉप हो जाती है। डायरेक्टर ने उनकी बात को काटते हुए कहा कि मुझे फिक्र नहीं है, मैं इसे शामिल करूंगा नतीजा चाहे जो भी। इस बेबाक एक्टर डायरेक्टर का नाम था गुरुदत्त और फिल्म बन रही थी कागज के फूल। गाने को फिल्म में शामिल किया गया, वहीदा रहमान पर फिल्माया गया और आवाज दी गीता दत्त ने। फिल्म रिलीज हुई और एक बार फिर से वही हुआ जिसका डर था। लोगों ने गानों को इतना पसंद किया कि उस जमाने में हर शख्स की जबान पर यह गाना था, लेकिन फिल्म फ्लॉप हो गई। इसके बाद कैफी साहब को फिल्मों में काम मिलना तकरीबन बंद हो गया, पर अब तक क्योंकि कैफी साहब का नाम इतना हो गया था कि वो किसी के मोहताज नहीं थे। अब जब उनके पास काम आता तो वो काम को अपने दोस्त मजरू सुल्तानपुरी का नाम रेकमेंड कर देते थे, लेकिन कैफी के मन में इस मिथ को तोड़ने की एक ख्वाहिश तो थी। और एक दिन ऐसा हुआ कि उनके जुहू वाले घर पर डायरेक्टर चेतन आनंद तशरीफ लाए। उन्होंने कहा कि वो अपनी फिल्म हकीकत के लिए गाने चाहते हैं। कैफी साहब ने मुस्कुराते हुए कहा आप जानते तो है ना कि आप क्या कह रहे हैं, यह आप फैसला करके आए। चेतन आनंद ने कहा कि जनाब मैं इससे पहले आंधियां और फंटूश और किनारे किनारे बना चुका हूं और तीनों फिल्में फ्लॉप हुई हैं, शायद अब आप और मैं यानी कि दो फ्लॉप मिलकर एक हिट बना दे। कैफी साहब ने जोर का ठहाका लगाया और हामी भर दी। कुछ रोज के बाद बलराज सहानी धर्मेंद्र स्टारर फिल्म हकीकत रिलीज हुई। फिल्म के गाने तो जबरदस्त हिट हुए, वो तो होने ही थे। वो गाना आपने सुना होगा कर चले हम फिदा जानो तन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, बहुत अच्छा गाना था, बहुत हिट भी हुआ। लेकिन कैफी साहब के दिल की धड़कनें तेज थी क्योंकि उन्हें यह पता करना था कि फिल्म का क्या हाल है। उन्होंने चेतन आनंद को फोन किया और फिल्म के स्टेटस के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि फिल्म सुपर डुपर हिट हुई है। ये वही तारीखी दिन था जिसने हिंदी उर्दू फिल्म इंडस्ट्री को एक ऐसा शायर दिया जिसकी कलम ने इश्क और इनकलाब के मिले जुले रंग लिखे, जिसने मोहब्बत की खुशनुमा गलियों का जिक्र भी किया और इंसान के नर्म नुकीले एहसास भी लिखे। इसके बाद कैफी आजमी को कभी पलट कर नहीं देखना पड़ा और फिर जो उन्होंने लिखा वो तारीख है। एक बदनाम शायर इस तरह इंडस्ट्री पर छा गया। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी जिसका नाम था बदनाम सा एक शायर। उम्मीद है आपको एक्सपेरिमेंट अच्छा लगा होगा, कभी कभी आगे भी ऐसा करते रहेंगे ताकि कहानियों की एक मोनोटोनी को तोड़ सकें और कुछ नया आपके सामने रख सकें। तो आपको कैसी लगी ये कहानी हमें बताइएगा, हमारा पता है radio@aajtak.com। अगर आप ये Spotify पर सुन रहे हैं और Apple Podcast पर सुन रहे हैं तो प्लीज़ हमें रेटिंग्स दीजिए। जहाँ हमारा शो है उस पर आप क्लिक कीजिए, आपको नीचे एक स्टार दिखाई देगा उसे आप क्लिक कीजिए और जितने भी स्टार आप देना चाहें दें और फॉलो भी कीजिए। इस कहानी का साउंड डिज़ाइन किया है नितिन रावत ने। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। अगले इतवार आपसे फिर होगी मुलाकात। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। दुआ में याद रखिएगा।